हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल। तो सुबह मैंने बात की थी कि जो नॉर्थन हिल यूनिवर्सिटी है, जिसे हम नेहू के नाम से जानते हैं, तो नेहू के जो पीजी एडमिशन्स हैं उसके लिए काफ़ी कुछ कोर्सेज की लिस्ट आ गई थी। मैंने ये भी कहा था कि शाम तक और भी कोर्सेज की आ जाएगी। हालांकि आप लोगों ने चेक कर दिया होगा कि कौन से कोर्स की आ गई है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कुछ एक कोर्स की लिस्ट और आ गई है, जैसे कि जूलॉजी की आ गई है, एमबीए की प्रोविजनल लिस्ट आ गई है, सोशियोलॉजी की आ गई है, जियोग्राफी की आ गई है, जियोलॉजी की आ गई है। तो एक लिस्ट मैं कोई आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप सब लोग देख लेना। पॉलिटिकल साइंस वाले मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी लिस्ट कब आएगी, तो पॉलिटिकल साइंस वालों की भी लिस्ट आ गई है। इसके अंदर क्या कुछ है वो हम बात कर लेते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लें। तो जो भी इस लिस्ट के अंदर है, उनका ये प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट है, उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा जब तक उनको पहले तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई कराने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए उनको 2 तारीख, यहाँ पर डेट दी हुई है 2 नवंबर, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इनटू एमएससी जूलॉजी कोर्स फॉर 2022-2024। द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू अपियर इन पर्सन फॉर वेरीफिकेशन ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन 2 नवंबर को आपको 11 बजे से और 1 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लेने हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में किस कौन कौन स्टूडेंट है उनकी ये सारा वो दिया हुआ है यहाँ पर, कि जो भी स्टूडेंट है उनके बारे में सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है, क्या CUET स्कोर है, तो ये सब मिक्स है, तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर रखा है, तो सब कुछ मिक्स है, तो वो देख लेना। ओपन कैटेगरी में ST वाले भी लिए हुए हैं 185 नंबर पे, 243, 242, तो अपने नंबर देख लेना भाई किसके क्या है। और फिर SC ST का भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है इसमें, EWS का भी दे रखा है। आफ्टर वेरीफिकेशन द कैंडिडेट शुड बी पे द रिक्वेसाइट फी थ्रू नेहू पोर्टल एंड सबमिट द फी रिसिप्ट टू द ऑफिस ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट 4 नवंबर। 4 नवंबर को ही आपको फीस जमा करानी है और आपको रिक्वेसाइट डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना है 2 नवंबर को, 4 नवंबर तक आपको फी जमा करा के अपनी जो स्लिप है उसको जूलॉजी डिपार्टमेंट में सबमिट कराना है। क्लास आपकी 7 नवंबर से चालू होगी। ये बताया मैंने किसका, ये बताया जूलॉजी का। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी और एमबीए टूरिज्म है ना, और जियोग्राफी, इन सब की भी लिस्ट आ गई है, तो एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट हैं तो इतनी लिस्टें देख पाना थोड़ा अजीब, क्योंकि इनमें कुछ स्कोर वगैरह तो दे नहीं रखा है, तो कुछ देखें कि क्या स्कोर है क्या नहीं है। तो यहाँ सिर्फ नाम दिए हुए हैं, तो वो नाम अपने देख लेना। जो भी बच्चा जो चैनल देख रहा है और सेलेक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, जिससे कि मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि किस कितने नंबर पर कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है ना। तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर है और आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।